सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में डिंडौरी पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परास्ते ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रुद्रेश कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ओंकार सिंह मरकाम को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के बाद रुद्रेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि रुद्रेश आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन और शिक्षा को लेकर आंदोलनरत थे। जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रघुनंदन चक्रवर्ती ने। डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते जी हैं। आइए हम रुद्रेश परस्ते जी से बात करते हैं कि आखिरकार वो निर्दलीय जो चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने क्यों किया है। देखिए, मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत डिंडौरी के जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और लगभग 1.5 साल से मैंने क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर काफ़ी ताकत के साथ लड़ा। आप देख रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है और हमारे डिंडौरी जिले को जिला बने 25 साल हो गए। 25 साल में हमारे लोकल जनप्रतिनिधियों ने न शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर पाई, न स्कूलों की व्यवस्था कर पाई, न हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की व्यवस्था कर पाई। इतनी बड़ी समस्या के बीच में मुझे क्षेत्र की जनता ने देखा कि मैं छात्र आंदोलन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और सत्याग्रह जन आक्रोश के माध्यम से मैंने जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून ये 6 मुद्दों को लेकर काफी ताकत के साथ शासन प्रशासन के सामने बात रखी और इन सारी कामों से प्रभावित होकर क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि इस बार मुझे डिंडौरी विधानसभा का विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आप कितना कड़ी चुनौती उनके सामने पेश करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी ना कांग्रेस नहीं चलेगा, इस बार काम करने वाला नेता चलेगा और मैंने काम किया है जनता के बीच में। दिन रात सुबेरे 11 बजे से लेकर रात के 2-2, 2:30 बजे तक मैं भ्रमण करके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने रख रहा हूं। इससे प्रभावित होकर क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया है इस बार जो टक्कर की बात अगर कर रहे हैं तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी मैं लड़ रहा हूं। मेरे से किसी की टक्कर नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी सेकेंड पोजिशन आने के लिए। तो जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते का दावा है कि वो डिंडौरी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें किस तरह का पसीना बहाना पड़ता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रघुनंदन चक्रवर्ती, TV24।